वेलकम टू आइशल्स नॉलेज बैंक प्रीवियस वीडियो जो था इग्नू का जिसमें मैंने आपको इंग्लिश कोर्स बी ई जी एल ए वन थर्टी सेवन का यूनिट फोर्टीन एक्सप्लेन किया था उसी को आज आगे कॉन्टिन्यू करने जा रही हूँ मैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टाइल स्टाइल के बारे में मैं आपको यूनिट थर्टीन में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था एलिवेशन ऑफ स्टाइल कि किस तरह से कोई स्पीकर या कोई राइटर सिंपल uh, सी बात को एक ज्यादा इंटरेस्टिंग या अपीलिंग वे में लिख करके उसका जो लेवल है उसको रेज कर देता है उसका उसके स्तर को ऊपर उठा देता है और यही क्या कहलाता है उस राइटर या उस स्पीकर का स्टाइल कहलाता है या उसका स्टाइल बन जाता है प्रीवियस वीडियो जो था या इसी यूनिट फोर्टीन का जो प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने जाना था कि कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया था कि रेटोरिक स्पीच के लिए आ, हमें पहले एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाना पड़ता है कि किस तरह से क्या चीज़ें लिखने जाए लिखी जानी चाहिए या बोली जानी चाहिए तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता चुकी थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारे स्पीच या राइटिंग को और ज़्यादा क्लियर या इफेक्टिव बना देता है लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर ही सफिशेंट नहीं होता इस काम के लिए तो स्टाइल या शैली की जहाँ तक हम बात करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्पीच को या अपने राइटिंग को किस स्टाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं यह बात भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसका यह भी मायने रखती है तो स्टाइल क्या है एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूं कि स्टाइल को हम सिंपली कह सकते हैं कि, कि किसी बात को कहने या लिखने का ढंग या तरीका ठीक है ये तरीका या ढंग होता है किसी बात को कहने या लिखने का अब जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो इसमें जो राइटर या स्पीकर है वो किन वर्ड्स का किन फ्रेज़ेस, क्लॉजेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करता है या उनको चूज करता है अपनी बात कहने के लिए कन्वे करने के लिए तो ये यही क्या कहलाता है उस राइटर या स्पीकर का स्टाइल या मैनर ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है यानी कि आप अपने बात को कहने के लिए किन शब्दों का, किन लफ्जों का चुनाव कर रहे हैं किसको चुन रहे हैं क्या फ्रेजेस लिख रहे हैं किस तरह से आप कर रहे हैं तो वही आपका क्या कहलाता है स्टाइल कहलाता है <coughs> तो राइटर या स्पीकर लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं अब लैंग्वेज के एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स क्या है जैसे वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस सेंटेंसेस टाइप्स जो मैंने अभी बोले थे इनको किस तरह से मैनिपुलेट करता है मैनिपुलेट यानी कंट्रोल करता है ना कि आप किस तरह से क्या फ्रेजेस डालते हैं क्या वर्ड्स डालते हैं अपनी राइटिंग में अपनी स्पीच में यही उसका स्टाइल कहलाता है उसका स्टाइल यानी उसका राइटिंग स्टाइल या स्पीकिंग स्टाइल तो अब एक एंशियंट इंडियन सेइंग है जो कि आपकी बुक में दी है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो लोग बोलना जानते हैं बोलना जानते हैं यानी बोलने में निपुण है एफिशिएंट uh, है अच्छा बोल लेते हैं जो हैव नो क्वेरल्स यानी उनके झगड़े नहीं होते क्योंकि अगर आप बात अच्छे से करना जानते हैं सही शब्दों का चुनाव करते हैं अपनी बात कहने के लिए सही ढंग से कहते हैं तो आपका किसी से कभी झगड़ा होगा ही नहीं तो यही सही है ठीक उसी तरह जिस तरह से वे लोग जो खाना जानते हैं खाना जानते हैं मतलब कैसे खाना चाहिए कितना खाना चाहिए वो कभी दे हैव नो इलनेस यानी कि जो लोग जो खाना जानते हैं कि ठीक से कैसे खाना खाया जाता है कितना खाना है ओवर ईटिंग भी नहीं करना है कम भी नहीं खाना है जितनी भूख लगी हो उतना ही खाएं तो वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते तो ये एंशियंट इंडियन सेइंग है मैं एक बार फिर से बता रही हूं कि वो लोग आपकी बुक में इंग्लिश में दी है मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूं कि वो लोग जो बोलना जानते हैं बोलना जानने से यहां मतलब ये है कि जो बोलने में परफेक्ट हो जो अच्छे से बात कर लेती हूँ बोलना तो वैसे सभी जानते हैं राइट लेकिन बोलना जानने से मतलब जो बोलने में एफिशियंट हो और जो उनके कभी झगड़े नहीं होते जो लोग बोलना जानते हैं और ठीक उसी तरह जिस तरह वो लोग जो खाना जानते हैं वो कभी बीमार नहीं होते तो ये थी इंडियन एक सेंग जो कि काफी फेमस है पुरानी एक सेंग है तो जो अब इसी में आगे देखते हैं कि जो एंशंट इंडियन ग्रामरिशियंस हैं उनका क्या मानना है कि ग्रामर के नॉलेज जो है इसने लोगों को मास्टरी दी ओवर वर्ड्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं पद सिद्धि कहते हैं एंड दिस लेड टू अर्थ विचार यानी एंक्वायरी इनटू मीनिंग जिसकी वजह से लोगों को फिलोसफिकल नॉलेज गेन हुई जिसे तत्व जनन या तत्व ज्ञान कहते हैं एंड इस फिलोसॉफिकल नॉलेज की वजह से सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष साधना हुई आप चाहें तो उसको अपनी बुक में देख सकते हैं दिया हुआ है तो मानना ये है कि जब लैंग्वेज uh, को हमने सीखा तो लैंग्वेज को सीखने से हमारे हमें नए वर्ड्स की जानकारी हुई है ना जिसे पद सिद्धि कहा गया था कि हमें वर्ड्स पे मास्टरी हुई हमने नए वर्ड्स सीखे जाने और नए वर्ड्स सीखने से क्या हुआ कि हमने उनके मीनिंग पर गौर किया जिसे हिंदी में अर्थ विचार कहते हैं इंक्वायरी इनटू मीनिंग उन वर्ड की जब नए वर्ड्स से हमारा इनकाउंटर हुआ नए वर्ड्स हमने जाने तो हमने उनका मीनिंग भी जानना चाहा तो ये हुआ और उनका मीनिंग जान करके क्या हुआ हमारी जो फिलोसफिकल नॉलेज थी उसमें इजाफा हुआ वो बढ़ी और फिलोसफिकल नॉलेज बढ़ने से क्या हुआ हमने सेल्फ रियलाइजेशन किया या हमें मोक्ष साधना हुई ये बात आपकी बताई गई है बुक में अब हिंदी लैंग्वेज में जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फाबेट जो का एक लेटर जो है अल्फाबेट के एक लेटर को क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं अक्षर का मीनिंग क्या होता है इनडिस्ट्रक्टेबल यानी जिसका नाश या विनाश ना हो सके ठीक है जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके अब देखें फिर वापस स्टाइल पे आते हैं कि स्टाइल के बारे में दिया है स्टाइल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसके कितने एलिमेंट्स होते चार एलिमेंट्स होते मैं यहाँ पे लिख रही हूं इसका पहला एलिमेंट है डेकोरम डेकोरम जो है ये इसका चीफ या मेन एलिमेंट माना जाता है प्रमुख एलिमेंट जिसे हम कह लें तो डेकोरम इसका चीफ एलिमेंट है और डेकोरम में क्या क्या आता है क्लरिटी uh, और प्योरिटी uh, और तीसरा क्या है ऑर्नामेंट अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि ये डेकोरम क्लैरिटी प्योरिटी ऑर्नामेंट से क्या मतलब है तो यहां पर देख लें कि स्टाइल के एलिमेंट ये दिए हुए हैं डेकोरम क्लैरिटी प्योरिटी और ऑर्नामेंट डेकोरम जो है इसको चीफ या मेन एलिमेंट माना गया है तो डेकोरम से क्या मतलब है डेकोरम जो है ये है क्वालिटी ऑफ अप्रोप्रिएटनेस यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग सूटेबल या प्रॉपर इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस यानी कि सिचुएशन के हिसाब से या सरकमस्टांसिस के हिसाब से हालात के हिसाब से जो चीज़ अप्रोप्रिएट हो सही हो या सुटेबल हो उपयुक्त हो जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में अपने वॉइस टोन अपने जेस्चर्स जेस्टर्स यानी हमारे जो हाव भाव हैं इन सबको हमेशा क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं टू फिट एन ओकेजन और सिर्फ ओकेजन के हिसाब से ही नहीं बल्कि किसी इंसान को ध्यान में रखकर भी कि हु आर वी टॉकिंग टू है ना यानी कि हम अलग अलग मौकों पर अलग अलग अफसरों पर अलग अलग तरह से बोलते हैं बात करते हैं अलग अलग तरह के हमारे जेस्टर्स होते हैं अलग तरह की हमारी वॉइस टोन होती है और ये सिर्फ मौकों पर या ओकेजन्स पर ही डिपेंड नहीं करता है बल्कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है हम अपने सीनियर से थोड़ा अदब लिहाज के साथ बात करते हैं अपने जूनियर से थोड़ा फ्रैंक होके फ्री होके बात करते हैं अपने छोटे से अक्सर हम थोड़ा रोब जमा के बात कर लेते हैं तो वही कह रहे हैं कि ये जो है चेंज uh, होता रहता है ये जो हमारा जो वॉइस टोन है हमारा जो जेस्चर्स है हमारा जो हाव भाव है ये सब चेंज होते रहते हैं और वर्ड्स भी चेंज होते रहते हैं ना जो वर्ड्स हम जैसे अगर कोई हमारा हम उम्र है उसके साथ हम जैसा जिस तरह का मजाक कर लेंगे वो अपने बड़ों के साथ अपने एल्डर्स के साथ तो हम जाके सेम जोक नहीं क्रैक करेंगे ना हम अगर करेंगे भी तो उसको बहुत ही तमीज़ के दायरे में रह के और uh, दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल करके कहेंगे एग्जैक्टली exactly वही चीज जाके नहीं बोल देंगे तो यहाँ पर यानी कि हम वर्ड्स भी चेंज करते रहते भले ही उस वर्ड का मीनिंग सेम ही निकले लेकिन फिर भी हम उसकी जगह पर मतलब उस तरह का मजाक नहीं करेंगे जो हम अपने हम उम्र के साथ कर लेंगे राइट right? तो यानि कि हम ध्यान में रख के बात करते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं किस मौके पर बात कर रहे हैं और इसी तरह से ओकेजन के हिसाब से भी हम जो है अपने वर्ड्स अपने हम जेस्टर्स और अपने वॉइस टोन को चेंज करते रहते हैं जैसे कि मान लें कि हम किसी सीरियस इशू पर डिस्कशन कर रहे हैं कोई सीरियस इशू है या हम किसी के दुख में शरीक हुए फॉर एग्जांपल, तो वहां पर जाहिर सी बात है अगर हम किसी के दुख में शरीक हुए दुख में शामिल हुए तो वहां पर हम उससे जोक्स तो नहीं क्रैक करने लगेंगे या हंसी मजाक की बात तो नहीं करने लगेंगे है ना हम भी उसके दुख में अपना दुख भी जाहिर करेंगे या अगर किसी सीरियस मुद्दे पर बात चल रही है तो हम भी बात को सीरियसली या गंभीरता के साथ ही करेंगे संजीदगी के साथ ही बात करेंगे ऐसा नहीं है कि हम जाके आ, किसी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और हम वहां जाके हंसी मजाक करने लग जाए या इसी तरह अगर हम अपने घर के सिटिंग रूम में बैठे हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ और एक अच्छा खुशगवार माहौल बना हुआ है हंसी खुशी से सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो ऐसे मौके पर हम कोई सीरियस इशू कोई सीरियस मुद्दा नहीं डिस्कस करेंगे उस टाइम पे बाद में हो सकता है हम कर लें डिस्कस लेकिन उस टाइम पे हम नहीं करेंगे तो वही कह रहे हैं कि डेकोरम जो है ये यही है क्वालिटी ऑफ एप्रोप्रिएटनेस कि हम मौका देख के अवसर देख के ओकेजन देख के और इंसान देख के बात करते हैं यानी अपने शब्दों को अपनी वॉइस टोन को अपने जेस्चर्स को चेंज करते रहते हैं ऐसा नहीं है कि किसी भी मौके पे या किसी भी इंसान से हम कुछ भी जाके कह देंगे कुछ भी बात कर लेंगे तो ये जो सिसरो है इनका कहना है कि जिस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते वक्त इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं कि ओकेजन क्या है इंसान कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं उसी तरह से हमें लिखते वक्त या स्पीच बोलते वक्त भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस मौके पर स्पीच दे रहे हैं या हम किस उस पर लिख रहे हैं किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं किस टॉपिक पर लिख रहे हैं हमारे रीडर्स कौन होंगे हमारे ऑडियंस कौन होंगे तो इन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए तो यही आता है हमारा डेकोरम में नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लैरिटी तो क्लैरिटी से क्या मतलब है जैसा कि नाम से ही क्लियर है यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं जो भी लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए क्लियर होना चाहिए या हम ये कह लें कि हम जिस बात पर या जिस चीज पर दूसरों का या लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं या जो बात हम उन्हें बताना चाह रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए क्लियर होना चाहिए और लोगों को हमारी बात समझने के लिए ज्यादा सर ना खपाना पड़े ठीक है हमारी लैंग्वेज एकदम सरल होनी चाहिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए जो भी हम बात करें कर रहे हैं यानी हम अपनी बात को कैसे कहें साफ साफ कहें और हमें अनक्लैरिटी या अनसर्टेनिटी को क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए अपनी स्पीच या अपनी राइटिंग में यानी कि ऐसा ना हो कि हम अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करने के चक्कर में अपनी स्पीच या राइटिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल कर दे जिसको कि एक एवरेज पढ़ा लिखा इंसान समझ ही ना पाए है ना तो ये भी नहीं होना चाहिए ये जैसे कि मान लें हमने बहुत ज्यादा ईडीएम्स या बहुत ज्यादा मेटाफर्स एट्सेट्रा का यूज कर दिया अपनी स्पीच या राइटिंग में तो वो हर किसी को या एक एवरेज जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है ठीक ठाक पढ़ा लिखा है उसको समझ में नहीं आएगा तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं जिस मुद्दे पर आ रहे हैं ज्यादा घूम फिर के नहीं डायरेक्ट मुद्दे पर आए है ना जो भी बात है तो हमारी स्पीच या राइटिंग कैसी होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए यही मतलब है क्लैरिटी का यानी कि हमको अपनी ऑडियंस कौन है रीडर कौन है इन सबको ध्यान में रख के लिखना या बोलना चाहिए कि हम जो भी कहने जा रहे हैं वो हमारे सुनने वालों को या पढ़ने वालों को समझ में भी तो आए नेक्स्ट हेडिंग है प्योरिटी देखिए प्योरिटी से क्या मतलब है प्योरिटी रेफर करती है भाषा या लैंग्वेज को अब प्योरिटी यानी लैंग्वेज में प्योरिटी कैसे आएगी लैंग्वेज में प्योरिटी यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन uh, की लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए करेक्ट होनी चाहिए सही भाषा का हम प्रयोग करें है ना और दूसरा क्या है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए ना यानी कि भाषा में मतलब बोलते वक्त अगर हम मान लें किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं हम ठीक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो सामने वाले को हम अपना मैसेज ठीक से कन्वे नहीं कर पाएंगे ऑल दो हो सकता है कि शायद वो हमारी बात समझ जाए लेकिन स्टिल वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा ठीक है और हमें भाषा का चुनाव भी करना चाहिए मतलब करेक्ट ऑडियंस के साथ करेक्ट लैंग्वेज यूज करें अगर मान लें कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती और हम उससे मानने कोई इंसान है जिसको हिंदी आती है अब हम आपको टैमिल आती है आप उससे टैमिल में बात कर रहे हैं और उसको समझ ही में नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है ना तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लैंग्वेज चुने और जो लैंग्वेज हम चुने उस पर हमारा कमांड होना चाहिए उसमें हम हमसे ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए उस लैंग्वेज में तो यही मतलब था प्योरिटी से लास्ट हेडिंग इसकी देख लेते हैं कम्युनिकेशन कम्युनिके सॉरी ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट है लास्ट हेडिंग इसकी ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट का मतलब क्या है यानी अपनी स्पीच या राइटिंग को डेकोरेट करना सजाना अब हम अपनी स्पीच या राइटिंग को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं कैसे सजा सकते हैं बाय यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे कि मेटाफर सिम्बली पर्सोनिफिकेशन एट्सेट्रा फिगर ऑफ स्पीच जो है मैं प्रीवियस वीडियो में आई थिंक काफी पहले कुछ महीनों पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में आप में से जिसने ना देखा हो तो वो देख सकते हैं मैंने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए हुए हैं एनी हाउ इस वीडियो पर वापस आते हैं इस टॉपिक पर आई I मीन mean, कि फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को सॉरी अपनी राइटिंग को या अपनी स्पीच को क्या कर सकते हैं डेकोरेट कर सकते हैं सजा सकते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं ताकि हमारी स्पीच या हमारी राइटिंग जो है वो और ज्यादा अपीलिंग लगे इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ लिख नहीं रही हूं वर्बली बता रही हूं जैसे है कि द का वॉज अ फर्नेस इन द सन ठीक है यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यूज हुई है अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो जरा ध्यान दें द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है मैं बता रही हूं वो है मेटाफ़र, ठीक कि कार को क्या कह दिया गया फ़र्नेस कह दिया गया फ़र्नेस यानी भट्टी कि कार जो थी वो सूरज में सन में धूप में कैसी हो गई थी भट्टी हो गई थी यानी भट्टी जैसी गर्म हो गई थी आप देखें मेटाफर अगर यहां पर होता कि द कार वाज लाइक अ फर्नेस तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती सिमिली होती लेकिन यहां पर लाइक like का यूज नहीं किया गया है फर्नेस जैसी नहीं कहा गया है बल्कि उसे फर्नेस ही कह दिया गया है तो यहां पर ये यह जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है ये मेटाफर है तो अब आपने देखा कि इससे हमें अंदाजा मिल रहा है कार की हॉटनेस का कि कितनी ज्यादा गर्म है इसको हम सिंपली यू भी कह सकते थे कि द का वो टू हॉट इन द सन कि गार जो थी वो सन में धूप में बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी लेकिन अगेन बहुत ज्यादा गर्म से सुनने वाले को या पढ़ने वाले को एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म से कितनी ज्यादा गर्म लेकिन अगर हम कह दें कि फर्नेस हो गई थी भट्टी हो गई थी गर्म तो अब आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल रहा है बहुत ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कितनी गर्म हो गई होगी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कार में बैठ के रोस्ट हो जाएंगे तो इसलिए जो है इनका यूज किया जाता है कि इंसान को एक तो क्लियर आइडिया भी मिल जाता है उसके ब्रेन में एक इमेज भी बन जाती है और उसके उसको समझ में और अच्छे से आ जाता है और सुनने में ज्यादा अपीलिंग भी लगता है ये वीडियो मैं इतना ही रखती हूं काफी लंबी हो चुका है और इसका जो दो टॉपिक्स या दो हेडिंग्स रह गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी इसके साथ ही आपका यूनिट फोर्टीन भी खत्म हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग